हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को फिर से फ्लावर शेप वाला टेबल मैट डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जो कि एकदम नया डिज़ाइन है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे नए नए वीडियोज़ देखने के लिए। तो सबसे पहले मैंने फ्रेम लिया है और ये डबल कर लिया है ऊन, और एक कील छोड़ दी है शुरुआत में। उसके बाद मैंने तीन तीन कीलें बीच में छोड़ी हैं, और इसी तरह से हम इसको लगा लेंगे। और हमें तीनों साइड से शुरुआत में एक कील छोड़नी है और उसके बाद में बीच में तीन तीन कीलें छोड़नी है, ये देखिए। और तीनों साइड से हम इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए, लगा लिया। अब इसी तरह से हम इसके पांच पांच राउंड लगा लेंगे। मैंने पांच राउंड लगा लिए। अब हम वाइट कलर के ऊन को लेंगे और इसको भी बीच में इस तरह से लगा लेंगे। इसको भी मैंने डबल कर लिया है और इसको भी तीनों साइड से हम ऐसे लगा लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का फ्रेम नहीं है तो मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है कि आप इसे कार्डबोर्ड से कैसे बना सकते हैं, तो आप इसे कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने तीनों साइड से ये लगा लिया और बीच में वाइट वाला स्टार बन गया है। यहाँ पे आधा फ्लावर तो बन गया है, आधा बनाना बाकी है। अब हम इसको कोने से लेंगे और एक कील छोड़ के इस तरह से लगा लेंगे। ये जो वाइट वाली ऊन है, ये फ्लावर के बीच में ही आनी चाहिए, और ये इस तरह से कोने तक। अब हम यहीं से इसको मोड़ लेंगे और यहाँ से सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम फिर तीसरी कील पे एक एक कील छोड़ते हुए लगा लेंगे, और फिर यहाँ से ये कोना चेंज करेंगे यहाँ से, और फिर इसको सीधा ले लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम इसको लगा लेंगे और ये हमारा फ्लावर बन गया है। और कितना अच्छा फ्लावर बना है ये इसमें। और इसी तरह से हम इसके 10-10 राउंड लगा लेंगे। तो ये मैंने 10 राउंड लगा लिए। अब हम फिर से इस ऊन को ऐसे ही लगा लेंगे जैसे हमने पहले लगाई थी, क्योंकि हमें ये दोनों साइड से एक जैसा चाहिए। तो फिर हम इसे किसी तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसको लगा लेंगे। ये देखिए, और इसी तरह से अब हम इसके दो दो या तीन तीन राउंड लगा लेंगे। तो ये मैंने लगा लिए। अब हम इसमें गांठ लगाएंगे। तो पहले हमें जो गांठें लगानी है फूल में लगानी है। हमें जो गांठें लगानी है चारों साइड से लगानी है। और एकदम टाइट गांठें लगानी है। हम अगर गांठें टाइट लगाते हैं तो हमारा फ्लावर शेप अच्छा आता है। तो ये मैंने लगा ली। अब हम ये जो छोटी गांठ है इसको लगा लेंगे। हमें धागा ब्लैक वाले के नीचे से ले रहे हैं, जिससे कि दिखे ना। अभी हम यहाँ पे भी इसमें गांठ लगा लेंगे। तो ये मैंने गांठें लगा ली सभी में। ब्लैक वाले में ब्लैक से लगाई हैं और वाइट में वाइट से लगाई हैं। पहले हमने वाइट से लगा ली, उसके बाद हमने ब्लैक से लगाई। अब हम ये काट लेंगे, अलग कर लेंगे काट करके। तो इस तरह से हम इसको काट लेंगे। हमने पूरा काट लिया, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा टेबल मैट बन करके तैयार हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और आसान लगा या मुश्किल लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये एकदम नया लुक है, पहले आपने ऐसा कभी कहीं नहीं देखा होगा डिज़ाइन। तो ये मैंने एकदम नया लुक बनाया है।
अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। तो ये मैंने दो कलर के बना के रखे हैं, एक येलो, और आपको इनमें से कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा, येलो या ब्लैक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।